हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का इमला का वीडियो कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए है और टॉपिक है साहसी सीमा। ये जो पाठ है ये कक्षा 3 की पुस्तक जिसका नाम है पंखुड़ी, उससे मैं आपके लिए लेकर आई हूं इमला के लिए। और इमला की वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास ही बने हुए बेल आइकन को भी दबाइए, सिलेक्ट फॉर ऑल करिए ताकि आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिला करें। फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई मैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो मेरे हैं वो सब्सक्राइबर नहीं हैं। बहुत सारे व्यूज़ ऐसे आते हैं जो अनसब्सक्राइब्ड लोगों से है। तो अगर आपको चैनल पसंद आता है, कॉन्टेंट आपके काम का है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। लिखना शुरू करिए। रात का समय था। सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे। सीमा के माता पिता टीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। रात का समय था, सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। बाहर हल्ला हो रहा था। भागो भागो, बचाओ बचाओ। गांव में बाढ़ आ गई है। सीमा ने दरवाजा खोला। बरामदे में तेजी से पानी बढ़ रहा था। वह भागकर कमरे में लौटी और छोटे भाई को जगाया। सीमा और उसका भाई घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगे।
ऊंची जगहों पर रखने लगे। बाहर हल्ला हो रहा था, भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। सीमा ने दरवाजा खोला, बरामदे में तेजी से पानी बढ़ रहा था। वह भागकर कमरे में लौटी और छोटे भाई को जगाया। सीमा और उसका भाई घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगे। देखते ही देखते बाहर का पानी कमरों में भरने लगा। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ गया। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया और स्वयं भी तेजी से ऊपर चढ़ गई। उसने अपने माता पिता को फोन किया पर बात ना हो सकी। देखते ही देखते बाहर का पानी कमरों में भरने लगा। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ गया। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया और स्वयं भी तेजी से ऊपर चढ़ गई। उसने अपने माता पिता को फोन किया पर बात ना हो सकी। सीमा छोटे भाई के साथ रात भर छत पर बैठी रही। वह बार बार छोटे भाई को ढांढस बंधाती रही। दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उनका ध्यान किसे आता। सीमा छोटे भाई के साथ रात भर छत पर बैठी रही। वह बार बार छोटे भाई को ढांढस बंधाती रही। दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उनका ध्यान किसे आता।